हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। जनसंपर्क अभियान में नालागढ़ वार्ड नंबर 3 वाल्मीकि मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला सचिव भाई श्रवण चंदेल ने खास तौर पर शिरकत की। इस बैठक में जिला सचिव ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर एक गरीब परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए वो लोगों की समस्याओं को बेहतर जानते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बुढ़ापा पेंशन की उम्र 80 साल से घटाकर 60 साल कर दी। उन्होंने हिमाचल वासियों के लिए और भी कई स्कीमें जैसे कि उज्ज्वला योजना, गृहिणी योजना, जल शक्ति स्कीम, बिजली की 125 यूनिट माफ करना आदि योजनाएं चलाई। श्रवण चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि वो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों को घर घर तक पहुंचाए। वार्ड नंबर 3 के लोगों ने श्रवण चंदेल को उनके वार्ड में आ रही समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में पीने के पानी की समस्या, सफाई की समस्या व नशे की समस्या बहुत अधिक है। उन्होंने श्रवण चंदेल से आग्रह किया कि उनकी समस्याओं का जल्द निवारण किया जाए। श्रवण चंदेल उन सब की समस्या सुनते हैं और आश्वासन उन्होंने दिया है कि उनके वार्ड में आ रही समस्याओं का जल्द ही निवारण किया जाएगा। आज नालागढ़ में वार्ड नंबर 3 में हमारे आने का हमारे साथियों ने, पार्टी के लोगों ने और जो पार्टी से नहीं से नहीं थे उनको भी मेरे को निमंत्रण दिया। आज हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आने से हमें ये महसूस हुआ कि अभी भी बहुत काम पेंडिंग है और छोटी छोटी समस्याएं ऐसी है जो आगे तक नहीं जा पाती है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का अभी जनसंपर्क अभियान चल रहा है कि पहले होता था कि लीडर के पास पब्लिक आती थी, लेकिन हमारी पार्टी का लक्ष्य है जो पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है किसी भी पद पे है अपने एरिया में जाए, लोगों की समस्या सुने और उन समस्या को हल कराने की कोशिश करें। जो हम कर अपने लेवल पे करा सकते हैं हम करवाएंगे, जो हमारे मंत्रीगण के माध्यम से होगी या हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होगी तो उनके माध्यम से करवाने की हम पूर्ण कोशिश करेंगे। होता क्या है, आज की डेट में जो कभी हमने सोचा नहीं था हमें वो रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। प्यार इतना मिल रहा है कि आज की हर रोज 8 से 10 मीटिंगें हमारी हो रही है और एक आधी मीटिंग है जो मीडिया में भी जा रही है। अभी भी इसके बाद हमारी मीटिंग है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और लोगों को एक उम्मीद जागी है। देखो कार्य तो सभी लीडरों ने किए, किसी ने कम किया किसी ने ज़्यादा किया। एक पब्लिक चाहती थी कि इजी टू अप्रोच लीडर जो सबके साथ बैठ के सबके साथ सबकी बात सुने और अपनी बात सुनाए, ऐसे एक सेवक की नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र को जरूरत है। वो सेवा करने के लिए हम सारे मिलके तैयार हैं। मैं वो सेवा करने के लिए अपने साथियों के साथ और अपने पार्टी के सहयोग से और अपने समाज के सहयोग से ये सेवा करने के लिए तैयार हूं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।